वेलकम बैक दोस्तों, सोमनाथ फोटोग्राफी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया रक्षाबंधन मॉक पीएचडी टेम्पलेट 2024 का। ठीक है, इससे पहले भी मैंने 21, 22, 23 में रक्षाबंधन का पीएचडी मैंने दिया था, बहुत ही बढ़िया पीएचडी टेम्पलेट दिया था, वो भी आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, वहाँ से भी आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, और ये लेटेस्ट आपको मैं दे रहा हूँ 10 रक्षाबंधन पीएचडी टेम्पलेट, तो इसके अंदर आपको पासवर्ड वगैरह भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो कृपया कंप्लीट देखिएगा, वीडियो के अंदर ही आपको वीडियो स्क्रीन में आपको पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जब भी पासवर्ड मैं दिखाऊंगा तो मैं बोल भी दूंगा कि क्या पासवर्ड है। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट देखा कीजिए, और जब भी आप इसको डाउनलोड करेंगे तो उसका साइज आपका जो बनेगा वो 60 MB के आसपास बनेगा, और जब उसको एक्सट्रैक्ट करके खोल लेंगे तो उसका साइज आपका बनेगा 87.8 MB के आसपास। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से आपको पीएचडी टेम्पलेट मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन टेम्पलेट है, इसको इस्तेमाल करेंगे तो कस्टमर भी आपका खुश हो जाएगा। ठीक है, और इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से इसको यूज़ करते हैं, सारा चीज़ मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। तो इसके लिए मैंने फोटोशॉप पहले से ओपन करके रखा है, और इसके अंदर मैंने डार्क मैजिक एक्सप्रेस ओपन करके रखा है, इसके मदद से मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाऊंगा किस तरह से आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक टेम्पलेट ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको इस्तेमाल करना है। जस्ट मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये वाला टेम्पलेट ओपन कर लिया है, और ये आपका इस तरह से आ गया। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ तो आपको देखने में आसानी होगा। सो गाइस, यहाँ पे टेम्पलेट आ चुका है, और इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे मूव टूल सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे एक जो बॉक्स है ब्लैक कलर का, इसको सिलेक्ट करना है, और शिफ्ट का बटन दबा के दूसरा वाला फ्रेम को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑटो फिल का बटन में क्लिक करना है। जब भी क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, कहाँ से आपको फ़ोटो देना है वो दिखाएगा। तो मेरा यहाँ पे एल्बम वर्क के अंदर मैंने फ़ोटो रखा है, तो आपका केस में आपका डेस्कटॉप में भी हो सकता है, डाउनलोड में भी हो सकता है, वहाँ पर जाके आप चूज़ कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रक्षाबंधन का तो मेरे पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पर मैं ये वाला और ये बच्चे का फ़ोटो मैं डाल देता हूँ, और इसको ओके दबा देता हूँ, देखिए ऑटोमेटिक ये फिल हो जाएगा। सो गाइस, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से ये फिल हो चुका है, कुछ इस तरह से आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे फ्लिप कैनवास कर लेना है, और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में क्लिक कर देना है, ये ऑटोमेटिकली आपका A4 साइज पेज में बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है किस तरह से आपको इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पासवर्ड, देखिए यहाँ पे शो हो रहा है सोमनाथ फोटोग्राफी, यहाँ पे लिख लीजिए सोमनाथ फोटोग्राफी, एक साथ आपको लिखना है, सभी स्मॉल लेटर में है सोमनाथ फोटोग्राफी। ओके, तो चलिए इसके अंदर और एक टेम्पलेट मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए ये वाला, ये मैंने यहाँ पे रख दिया और ये आ गया, और यहाँ पे जस्ट आपको यहाँ पे एक क्लिक करना है, और यहाँ पे दूसरा वाला को क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे ऑटो फिल में आपको क्लिक कर देना है, और जस्ट आपको फोटो इसके अंदर चूज करके दे देना है कौन सा फोटो आपको लगाना है। तो यहाँ से मैं फोटो आपको दे देता हूँ, जैसे यही दो फोटो मैं डाल देता हूँ, और ओके कर देते हैं। आप देखिए, सो गाइस, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से हो गया, एकदम सिंपल सा तरीका है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, जिसको फोटोशॉप आता भी नहीं है वो भी इस सॉफ्टवेयर की मदद से आराम से काम कर सकता है। ठीक है, तो ये पीएचडी टेम्पलेट आपको फ्री में मैं दे रहा हूँ, और ये टेम्पलेट के मतलब ये सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आई बटन में देखिए एक लिंक शो हो रहा होगा, उसको क्लिक करके पूरा कंप्लीट वीडियो देख लीजिए। अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे यहाँ पे देखिए नंबर शो हो रहा है व्हाट्सअप का, इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, ये सॉफ्टवेयर कैसे लेना है मैं बता दूंगा। ठीक है, और ये टेम्पलेट आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, और मेरा चैनल में आप जाके देखिएगा, बहुत सारा टेम्पलेट मैंने डाल के रखा है, सभी फ्री में, ज़्यादातर 90% जो पीएचडी टेम्पलेट है वो फ्री में डालता रहता हूँ, और जो प्रीमियम टेम्पलेट है वो आपको 100 रुपये करके मिलता है, उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है किस तरह से आपको इसको इस्तेमाल करना है। तो इसी तरह से और भी वीडियो आपको अगर चाहिए, कौन सा टेम्पलेट चाहिए, किस तरीके का टेम्पलेट चाहिए, आप कमेंट करके जो भी बताया कीजिए, कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे ये मिलता है कि और भी बढ़िया तरीके से मैं बना के आप लोगों को देता रहूँ। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दूसरों को, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना एकदम मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, इसको किस तरह से डाउनलोड करते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। सो गाइस, जब भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका एक पेज खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाएगा डाउनलोड वाला, यहाँ पे देखिए डाउनलोड हेयर बोल के लिखा है, रक्षाबंधन यहाँ पे लिखा हुआ है, रक्षाबंधन मॉक पीएचडी 2024। ठीक है, और इस डाउनलोड बटन को आपको क्लिक करना है, जब भी क्लिक करेंगे आपके सामने एक गूगल ड्राइव का लिंक आएगा, जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करके
आपको डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो इस तरह से आपको डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है तो पासवर्ड भी वीडियो में मेंशन किया हुआ है, वीडियो को पूरा देख लीजिए, पासवर्ड भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और डार्क मैजिक एक्सप्रेस का जो जिस सॉफ्टवेयर की मदद से मैं काम कर रहा था वो सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा आर्टिकल यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है। और इसको अगर आपको बाय करना है तो यहाँ पे डायरेक्टली डाउनलोड बटन को क्लिक करके आप बाय एंड डाउनलोड कर सकते हैं। और मोबाइल का भी एक सॉफ्टवेयर है, इसको भी आपको देखना है तो देख सकते हैं। और ये सारा सॉफ्टवेयर अगर आपको वीडियो देखना है तो मेरा चैनल में जाके वीडियो टैब में जाके आप मोबो एक्सप्रेस सर्च कीजिए तो मोबाइल वाला सॉफ्टवेयर आपको दिखाई देगा, और डार्क मैजिक एक्सप्रेस सर्च करेंगे तो आपको जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से मैं अभी आपको दिखाया था वो सॉफ्टवेयर आपको किस तरह से काम करना है पूरा दिखाई देगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट हुआ, यहाँ पे देखिए एक नंबर शो हो रहा है व्हाट्सअप का, इस नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपको इसको देखना है या फिर इसको किस तरह से बाय करना है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है किस तरह से आपको इसको इस्तेमाल करना है, किस तरह से इसको डाउनलोड करना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।